हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पावर ड्रैग। आज मैं आप लोगों की चहेती गाड़ी टाटा HBX या फिर हॉर्नबिल, उसके कुछ न्यू स्पाई शॉट्स दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को एक तो इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट मिली है, दूसरा अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो आपको कैसा दिखने वाला है उसके न्यू स्पाई शॉट्स मिले हैं, और उसी के साथ छोटी मोटी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। स्पेशली आप लोग इसके लॉन्च को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि ये कब तक आएगी, तो उसको भी लेकर एक बड़ी चीज़ पता चली है, वो भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंटीरियर के साथ, क्योंकि एक्सटीरियर का हर किसी को आइडिया है कि किस टाइप का आएगा किस टाइप का नहीं आएगा। ऑटो एक्सपो के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, और एलॉय व्हील्स के तो काफ़ी सारे प्रॉपर स्पाई शॉट और प्रॉपर इमेजेस भी आ गए जिसमें आपने एलॉय व्हील्स इसके देख ही लिए होंगे, बाकी मैं फोटो भी लगा दूंगा। इंटीरियर की अगर बात करें, स्पेशली लोअर वेरिएंट की, अगर आप XE या फिर XM परचेज करते हैं, मेरे हिसाब से जो इंटीरियर का जो ये फोटो होगा ये XM वेरिएंट का होगा। एक्सपेक्ट यही करा जा रहा है कि इसके अंदर भी वही 5 वेरिएंट आएंगे जो टाटा यूजुअली अपनी कार्स के अंदर देता है, जैसे टियागो में आते हैं XE, XM, XT, XZ करके, वही जो सीरीज रहती है सेम वैसे ही। ये जो इमेज है ये मुझे लग रहा है XM वेरिएंट है, जिसके अंदर आप लोग सबसे पहले स्टीयरिंग देख लो, प्रॉपर फ्रंट से तो फोटो नहीं है बट फिर भी स्टीयरिंग देख के समझ में आ रहा है कि हाँ स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको जहाँ तक इसके अंदर मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख के क्लियर कट नज़र आ रहा है कि 2D वाला है। इसके अंदर आप लोग इजीली अपना ब्लूटूथ वगैरह एक्सेस कर पाएंगे और USB से भी गाने चला लेंगे, ऑक्स वगैरह से गाने चला रहे हैं तो वो चीज़ भी होगी। और इसमें ये भी है कि आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल अगर आते हैं तो आपको इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी जहाँ तक है टाटा ऑफर करेगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर आपको ये वेरिएंट मिलेगा लगभग 6-6.5 लाख रुपये का होगा, तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह हम लोग इस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। स्पेशली टाटा का तो आपको पता ही कि देखो यार कम प्राइस पर कितने अच्छे अच्छे फीचर्स देती है, तो टाटा से थोड़ी सी उम्मीद जो है हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, अपनी यार इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरा बड़ा अपडेट जो मेरे को आपको देना था इसके इंजन को लेकर, कि इसके अंदर आप लोगों को पता ही कि पेट्रोल इंजन तो आ ही रहा है, बट जो डीजल इंजन है वो आपको मैंने पहले कहा था कि इसके अंदर नहीं आएगा, बट अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ मिली है जिससे लग रहा है कि 50-50% चांसेस हैं कि इसके अंदर टाटा आपको एक डीजल इंजन भी दे सकता है जो कि 1.5 लीटर का है। हालांकि इसके अंदर जो डीजल इंजन आएगा, अगर 1500 cc वाला अगर इसके अंदर डीजल इंजन कंपनी दे देती है तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। लगभग पावर आपको 100 PS की वो निकाल देगा और 200 Nm का पीक टॉर्क निकाल देगा। डीजल इंजन का भी 50-50 है। जैसा भी कुछ अपडेट होगा, छोटा मोटा अपडेट होगा तो इंस्टा पे दे दूंगा, और अगर वीडियो बनाए लाइक होगा तो आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। पेट्रोल इंजन तो इसके अंदर 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला आने वाला है जो रेप्ट्रॉन है, नेचुरली एस्पिरेटेड। 86 PS की वो पावर निकालेगा, 150 Nm का पीक टॉर्क निकालेगा। गाड़ी के अंदर 5 स्पीड की मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक 5 स्पीड की ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगी। और बड़ी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सोचते हैं कि आपका सिटी रन ज़्यादा है या फिर आपको मतलब अपने ऑफिस से आना या जाना है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से जो पेट्रोल इंजन है बेस्ट रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि यार पेट्रोल में भी थोड़ी गाड़ी महंगी पड़ रही है, तो भाई CNG फिट करवा लो, बेस्ट रहती है। एकदम दिल्ली जैसे शहर के लिए या फिर जहाँ पर थोड़ा जाम जूम ज़्यादा रहता है, बेहतरीन, एकदम CNG बढ़िया मज़ा बांध देती है। बाकी तीसरी एक बड़ी अपडेट इस गाड़ी को लेकर जो मेरे को आपको बतानी थी, वो था इसका लॉन्च। आप में से हर किसी को पता है कि अप्रैल का मंथ आ रहा है और IPL आने वाले हैं। टाटा की अपनी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा IPL के अंदर दिखाना पसंद करता है। जिस हिसाब से इसके न्यू स्पाई शॉट्स मिल रहे हैं, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इस गाड़ी को टाटा आने वाले अप्रैल या मई के अंदर लॉन्च कर देगा। अगर गाड़ी अप्रैल के अंदर लॉन्च होती है तो 100% ये गाड़ी IPL के अंदर शोकेस हो सकती है। अगर किसी वजह से अप्रैल में लॉन्च नहीं होती है, हालांकि उम्मीद करी जा रही है कि 70% चांसेस हैं ये गाड़ी अप्रैल में आ जाएगी, अप्रैल के एंड तक, स्टार्टिंग में तो नहीं आएगी, एंड तक मान के चल सकते हैं आप लोग। अगर आ जाती है तो आपको ये गाड़ी IPL में भी खड़ी हुई नज़र आएगी, जिससे कि देखो गाड़ी की भी एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े तरीके से एडवर्टीजमेंट हो जाती है, एंड उसी के साथ हर किसी को पता भी चल जाता है कि कौन सी गाड़ी है, क्या है क्या नहीं है। और जो इसकी रही बात नाम की, जिसका नाम है टाटा HBX, उम्मीद करी जा रही है कि HBX इसका कन्फर्म नेम नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट नेम की तरह ही है। HBX कन्फर्म नेम जो रहेगा वो इसका हॉर्नबिल रहने वाला है, या फिर टिमरो भी रह सकता है, नेम भी अभी कन्फर्म नहीं है। हॉर्नबिल और टिमरो में से एक रहेगा, HBX कन्फर्म नेम नहीं है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आने वाले फीचर्स, अगर आप लोग इसका टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाएंगे या अपर वेरिएंट्स परचेज करेंगे, तो आपको इसके अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें थोड़ी सी स्क्रीन आपको डिजिटल सी मिलेगी, जैसे कि समथिंग समथिंग अल्ट्रोस के अंदर आती है। लोअर वेरिएंट परचेज करेंगे तो आपको इसके अंदर 2 स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलेंगे, नीडल के साथ एक टैकोमीटर होगा और एक आपका स्पीडोमीटर होगा, और एक सेंटर में सेंटर में आपको एक MID देखने के लिए मिल जाएगी, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। बाकी अगर आप इसके जो डोर हैंडल्स हैं उसकी मैं आपको एक बात बताऊं, तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आने वाले हैं। अगर आप अपने डोर्स को लॉक या अनलॉक करते हैं तो आपके जो डोर हैंडल्स हैं वही फंक्शन करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और अनफोल्ड होने में, तो वहाँ पर वो भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है कि डोर हैंडल्स को लेकर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी यूनिक चीज़ है जो मुझे पर्सनली टाटा अल्ट्रोस के अंदर
बहुत पसंद आती है, तो वही सेम चीज़ इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी सेम अल्ट्रोज वाला ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रही है, अल्फा प्लेटफॉर्म। आप लोगों को पता ही होगा इस प्लेटफॉर्म ने 5 स्टार की रेटिंग अचीव कर रखी है ग्लोबल एनकैप के अंदर, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी भी 5 स्टार की रेटिंग मेरे हिसाब से आराम से लेके आ जाएगी, और अगर लेके आ जाती है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली बात है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी, और तुम फिर सेफ्टी वाली गाड़ी को तो चलाने के मज़े ही अलग रहते हैं। बाकी इसकी स्टार्टिंग प्राइस वही 5 लाख रुपए से रहेगी एक शोरूम, और टॉप एंड वेरिएंट डिपेंड करते हैं कितने तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख रुपए तक जा सकता है, 8 से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, 8 साढ़े 8 तक, क्योंकि फिर उस हिसाब से आपको टॉप एंड वेरिएंट में फीचर्स वगैरह भी आ जाएंगे। राइवल्स की बात करें तो महिंद्रा की KUV के साथ इसका टफ कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि वो भी एक माइक्रो SUV या मिनी SUV, आप जो भी कहना चाहे उसको, उसी टाइप की थोड़ी ऊँची ऊँची सी। दूसरा मारुति सुजुकी की इग्निस को भी कॉम्पिटिशन देगी, और एस्प्रेसो भी इसके साथ लिस्ट में कॉम्पिटिशन में रहने वाली है। खैर एस्प्रेसो की तो इसके सामने क्या ही, मतलब मैं रियलिटी बताऊँ तो क्या ही वैल्यू रहेगी। पर्सनली मुझे तो एस्प्रेसो इतनी अच्छी नहीं लगती लुक वाइज, बट जिनको अच्छी लगती है तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, या फिर अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर अभी आगे कोई गाड़ी परचेज करनी है तो आई थिंक HBX के लिए वेट करके देखो भाई, ये ज़्यादा अच्छी हो सकती है एस्प्रेसो से, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी यार, क्योंकि इसके अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी आ जाएगा, उसी के साथ आपको इसके अंदर माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलेंगे, अपर वेरिएंट में तो 100% मिलेंगे, और XE छोड़ के XM से अगर आपको माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते तो भाई मज़े आ जाएंगे इसके अंदर। बाकी स्टैंडर्ड सेफ्टी में आपको इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट टू एयरबैग्स वगैरह, कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेंगे, और टाटा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को हम कैसे भूल सकते हैं। और टाटा की गाड़ियों के अंदर एक चीज़ और भी अच्छी है कि टाटा अपने जितने भी सेफ्टी फीचर टॉप वेरिएंट में देता है, अधिकतर उनमें से सारे के सारे सेफ्टी फीचर टाटा अपने बेस वेरिएंट के अंदर भी दे देता है, जिस वजह से और थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हाँ यार कंपनी अपनी सेफ्टी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान देती है। तो उसके लिए तो भाई वीडियो को एक थम्स अप बनता है और टाटा को भी एक थम्स अप बनता है। बाकी अगर आप ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं और अगर आपको लगता है कि भाई के वीडियो कुछ काम के होते हैं, तो मेक श्योर एक छोटा सा लाइक नीचे दिए बिना कहीं मत जाना। और जो इसका डिज़ाइन फिलॉसफी है वो आप लोगों को पता ही है कि इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि काफ़ी हद तक फ्रंट का जो लुक है काफ़ी हद तक स्प्लिट हेडलैम्प्स वाला हैरियर से इंस्पायर्ड है, हर किसी को ये बात पता ही होगी। बाकी ओवरऑल अगर इसके लॉन्च की कंफर्म लॉन्च की बात करी जाए तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अप्रैल में आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल सकती है एंड तक। अगर अप्रैल में किसी वजह से नहीं देखने के लिए मिली तो मई में तो 100% आपको ये मिलने ही वाली है, क्योंकि टेस्टिंग जो है लगभग एंड हो ही चुका है, टेस्टिंग मतलब फाइनल स्टेज पे ही है अब आप ये मान के चलो, क्योंकि अब टाटा अगर डिले कर जाएगा तो भाई गाड़ी फ्लॉप होने के 110% चांस है, 100 भी नहीं 110%, क्योंकि भाई लिमिटेशन भी तो एक हद तक करी जा सकती है, मतलब इंतज़ार भी तो बंदा एक हद तक ही कर सकता है, बस वही एक चीज़ है। तो बाकी बस फिर ठीक है, आज के वीडियो में इतने था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।